going to teach you Fine Art Painting Unit 1, Chapter 1, Rajasthan School of Painting. Dear students, आज मैं आपको Fine Art Painting में paintings को easy technique से कैसे याद किया जाता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ. Students, painting को याद करने के लिए painting की image को कि वो किस तरह से बनी हुई है, उसमें क्या क्या दिखाया हुआ है, बैकग्राउंड का कलर कैसा है, पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, ड्रेसिंग कैसी है, आपको इमेज को अच्छे से रीड करना होगा, याद करना होगा. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. पेंटिंग नेम मारू रागनी, आर्टिस्ट साहिब दीन, स्कूल मेवाड़ उदयपुर राजस्थान, पीरियड सिरका 18th century AD, मीडियम टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर, कटसी द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. सब्जेक्ट मैटर मारू रागनी इज ए वर्टिकल पेंटिंग फ्रॉम रागमाला सीरीज. डिस्क्रिप्शन दिस इज ए वर्टिकल पेंटिंग द किंग विद हिज क्वीन इज राइडिंग ऑन ए कैमल. बैकग्राउंड इज येलो कलर एंड foreground is light green color. Two male are running along the camel. The camel has been show full passion. One male leading the camel, a hunting dog is also running. Sky is deep blue. Used flat color. Camel is well decorated. King is holding a flower in his right hand and looking at the queen. Top of the painting Maru Shri Ragni is written. It is a painting of Baramasa. The color are bright and natural. Dear students, इस painting में यह बताया गया है कि राजा और रानी ऊँट की पीठ पर सवारी कर रहे हैं. Background yellow color का व foreground light green color का है. इस painting में दो male ऊँट के साथ दौड़ रहे हैं. ऊँट को भी पूरे जोश में दिखाया गया है. एक मेल ऊँट को ले जा रहा है, एक शिकारी डॉग भी साथ में दौड़ रहा है. आकाश गहरे नीले रंग का दिखाया गया है. इसमें फ्लैट कलर यूज़ किए गए हैं. ऊँट की सजावट बहुत सुंदर तरीके से की गई है. राजा के दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में फूल है और वह रानी को देख रहा है. पेंटिंग के ऊपर मारू श्री रागनी लिखा हुआ है. यह पेंटिंग बारामासा की पेंटिंग है. कलर इसमें भड़कीले व प्राकृतिक हैं. नेक्स्ट थैंक यू स्टूडेंट. पेंटिंग चुगान प्लेयर्स, आर्टिस्ट दाना, मीडियम टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर, पीरियड सिरका 18th century AD, स्कूल जोधपुर राजस्थान, कटसी द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. सब्जेक्ट मैटर दिस इज ए हॉरिजॉन्टल पेंटिंग in which two princes are playing polo. Description: this is very beautiful painting. In this painting, two princes are sitting on the back of two different horses in the upper section of the painting. Both of them are facing each other and the horse face each other. Other four horses in the lower section, the mates are running in opposite direction. But the face of mates are on the same side where princes are looking. All six polo sticks are covering the ball. All ladies have high, rounded foreheads, face or profile. All horses are well decorated. The composition is flat green background. Color are very bright. All the dresses are in contemporary Rajput costume and well ornamented. डियर स्टूडेंट्स, इस पेंटिंग में यह बताया गया है कि दो राजकुमारियां दो अलग अलग घोड़ों पर बैठी हैं, जो कि पेंटिंग के ऊपरी भाग में दिखाया गया है. वह एक दूसरे की ओर देख रही हैं और घोड़े का फेस भी आमने सामने है. इसी तरह पेंटिंग के निचले भाग में चार घोड़े दिखाए गए हैं. मेड्स विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं, परंतु सभी के चेहरे उसी ओर हैं जिस ओर राजकुमारियों के हैं. सभी छह चौगान चिड़ियाँ गेंद को पकड़े हैं. सभी फीमेल्स के ऊंचे गोल माथे हैं, चेहरे एक चश्म है. एक चश्म मीन्स
एक जैसे सभी घोड़े बहुत सुंदर सजाए गए हैं। यह रचना हरी पृष्ठभूमि पर की गई है। कलर बहुत चमकीले यूज़ किए गए हैं। सभी ड्रेसेस तत्कालीन राजपूत ड्रेसेस हैं और सुंदर रूप से अलंकृत हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेंटिंग कृष्णा ऑन स्विंग, आर्टिस्ट नीरुद्दीन, स्कूल बीकानेर राजस्थान, मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर टेम्परा, पीरियड 1683 AD, साइज 20x14 cm, कटसी द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर, दिस इज़ ए फेमस पेंटिंग ऑफ नीरुद्दीन ऑफ बीकानेर राजस्थान। दिस पेंटिंग इज़ बेस्ड ऑन द पोएम ऑफ रसिक प्रिय। डिस्क्रिप्शन, दिस पेंटिंग इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। इन द अपर पार्ट कृष्णा इज लुकिंग एट राधा सिटिंग ऑन ए स्विंग विच इज सिटिंग इन द फ्रंट पोर्च ऑफ द टेरर। राधा टू इज लुकिंग एट कृष्णा। दिस ईगो ऑफ बोथ एंड्स ऑब्स्ट्रक्ट्स यूनियन। इन द लोअर पार्ट कृष्णा इज सीन सिटिंग इन साइड वन बोअर एंड राधा इन साइड द अदर। बोथ आर लुकिंग एट ईच अदर विद हेटेड हु आर फीलिंग पेन एंड सोरो। गोपीज हैंड इन देयर मिडीज आर सेइंग दैट देर इज नथिंग लाइक दैट। शी ओनली कंसिडर्स कृष्णा हर गॉड। शी इज एक्सप्लेनिंग टू कृष्णा दैट राधा हैज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू। इट इज़ ए मास्टर पीस ऑफ राजपूत स्टाइल विच इज़ बेस्ड ऑन ए फोक आर्ट। ऑल लाइट कलर्स हैव बीन यूज्ड इन इट। द कलर ऑफ कृष्णा इज लाइट ब्लू। कृष्णा इज वेयरिंग ए क्राउन एंड ऑर्नामेंट्स। वाइट कलर इज यूज्ड फॉर ऑर्नामेंट्स। लाइन आर थिन एंड शार्प। स्टूडेंट्स, इस पेंटिंग में यह बताया गया है कि इस पेंटिंग के दो भाग हैं। ऊपरी भाग में कृष्ण एक झूले पर बैठे राधा को देख रहे हैं जो सामने छत के पोर्च में बैठी है। राधा भी कृष्ण को देख रही है। इसी प्रकार दोनों सिरों का अहंकार मिलन में बाधा डालता है। निचले भाग में कृष्ण को और राधा को एक बोवर के अंदर बैठा दिखाया गया है। दोनों एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। दोनों का दुख दर्द महसूस हो रहा है। उनके बीच में गोपी के हाथों की मुद्राएं यह कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो केवल कृष्ण को अपना भगवान मानती हैं। वो कृष्ण को समझा रही हैं कि राधा की तुम्हारी अधिक जिम्मेवारी है। यह राजपूत शैली मीन्स स्टाइल की उत्कृष्ट पेंटिंग है जो एक लोक कला मीन्स फोक आर्ट पर आधारित है। इस पेंटिंग में हल्के रंगों का प्रयोग किया गया है। कृष्ण का रंग लाइट ब्लू है। कृष्ण मुकुट और आभूषण पहने हुए हैं। वाइट कलर का यूज़ आभूषणों के लिए किया गया है। लाइनें पतली और तेज हैं मीन्स लाइन्स आर थिन एंड शार्प। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेंटिंग राधा बनीठनी, आर्टिस्ट निहाल चंद, स्कूल किशनगढ़ राजस्थान, पीरियड सिरका 1760 AD, मीडियम टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर, कटसी द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर, दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द कोर्ट डांसर ऑफ किंग सावन सिंह ऑफ किशनगढ़ नेम्ड बनीठनी। डिस्क्रिप्शन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पेंटिंग ऑफ राजस्थानी आर्ट ऑफ किशनगढ़। निहाल चंद पिक्चर राधा बनीठनी ऑफ किशनगढ़ मीन्स स्मार्ट एंड एंड्रॉड। हर फेस विद हाई एंड स्लोपिंग फोरहेड, पॉइंटेड एंड लॉन्ग नोज, बल्जिंग कट लिप्स, लॉन्ग चिन। हर लॉन्ग ब्लैक हेयर आर फ्लोइंग डाउन फ्रॉम हर शोल्डर टू हर वेस्ट। द थिन फिंगर ऑफ हर राइट हैंड आर डेलिकेटेड होल्डिंग द एज ऑफ द ट्रांसपेरेंट टिपेट। एंड इन हर लेफ्ट हैंड देर आर टू लोटस बर्ड ऑफ पिंक एंड वाइट कलर विच शी इज होल्डिंग विद हर डेलिकेट फिंगर्स। टिपेट इज डेकोरेटेड विद गोल्डन कलर। हर ड्रेस एंड ज्वेलरी रिफ्लेक्ट द कॉस्ट्यूम ऑफ द कंटेम्प्रेरी राजपूत रॉयल्टी। शी इज वेयरिंग ए वाइट पर्ल नेकलेस अराउंड हर नेक। बैकग्राउंड इज डीप ब्लू कलर। लाइन्स आर वेरी शार्प एंड थिन।
Her body is painted in peach color. This painting has beautiful color scheme. All round painting is beautiful. Students, इस पेंटिंग में राजा निहाल चंद के समय में बनी राधा बनी ठनी पेंटिंग के बारे में बताया गया है. उसका चेहरा ऊंचा व माथा झुका हुआ, नुकीली व लंबी नाक, उभरे हुए होंठ, लंबी ठोड़ी, उसके लंबे काले बाल दिखाए गए हैं जो कंधे से कमर तक बह रहे हैं. राइट हैंड की पतली उंगलियों से अपनी ओढ़नी को पकड़े दिखाया गया है. वह लेफ्ट हैंड में दो वाइट लोटस फ्लावर की कलियां पकड़े हुए हैं. ओढ़नी गोल्डन कलर की है. उसके वस्त्र व आभूषण समकालीन राजपूत राजघराने को दर्शाते हैं. गले में वाइट मोतियों की माला दिखाई गई है. बैकग्राउंड गहरे नीले रंग का, लाइंस तेज व पतली हैं. शरीर का कलर पिंक ऑरेंज से किया गया है. इस पेंटिंग में बहुत ही सुंदर कलर योजना है. पूरी तरह से पेंटिंग बहुत ही सुंदर है. थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पेंटिंग भारत मीट्स राम एट चित्रकूट, ए सीन फ्रॉम रामायण. आर्टिस्ट घुमन, स्कूल जयपुर राजस्थान. पीरियड 18th century AD. मीडियम टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर, कटसी द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. सब्जेक्ट मैटर द पेंटिंग डिपेक्ट ए सीन फ्रॉम रामायण. When Bharat come to Chitrakoot to meet Ram with his three mothers and Guru Vishwamitra, many episodes have been shown in a single scene. Description: In the background, the use of green color in different shade in the specialty of this painting. In the foreground and in front of the huts, Ram, Sita and Lakshman is painted. Behind the hut, dark green. Banana trees have been painted. This small painting has about 49 figure in this center of this painting. Ram is touching the feet of the Guru. Lakshman is standing together. At one palace, Ram is meeting his mother. Some ladies can also be seen in profile, standing and sitting. In front of all, we can see a stream of white and red lotus flower. Color balance is very good. In the foreground, used yellow ochre color. At this time, a genius Jaipur style come into prominence. Dear students, इस painting में यह बताया गया है कि background में different कलरों में green color का use इस painting की विशेषता को बताता है. इस painting में आगे की ओर कुटिया के सामने राम, सीता व लक्ष्मण चित्रित हैं. कुटिया के पीछे केलों के पेड़ बनाए गए हैं. एक छोटी सी painting में लगभग 49 आकृतियाँ अंकित हैं. एक जगह पर राम गुरु के पैरों को छू रहे हैं, साथ ही लक्ष्मण भी खड़े हैं. एक जगह पर राम अपनी माता से मिल रहे हैं. कुछ महिलाएं पेंटिंग में खड़ी व बैठी दिखाई गई हैं. सभी के सामने एक सफ़ेद व लाल कमल के फूलों की नदी बह रही है. रंगों का बैलेंस बहुत अच्छा है. फोरग्राउंड में येलो ओकर कलर का यूज़ किया गया है. इस पेंटिंग में पीछे की ओर लेफ्ट साइड ब्लू कलर का यूज़ किया गया है जो शायद नदी को दर्शाता है. इस समय एक वास्तविक जयपुर स्टाइल उभर कर दिखाई देता है. थैंक यू स्टूडेंट्स.